क्या बीबी बीबी क्या बीबी क्या घर की इज्जत घर की इज्जत तुम्हें नौकरानी बना के रख रखा है मुझे उस घर की दुर्गा शादी करके नौकरानी बना के रख रखा था मुझे उस घर में खाना कैसे आप लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो सो गाइस आज हम एक हेल्पिंग वीडियो शूट करने वाले हैं तो क्या हुआ है भाई आप बता दो आपके साथ जो भी है अपनी प्रॉब्लम सारी पब्लिक के आगे शेयर कर सकते हो और मोहित हाय बोल सकते हो आप कैमरे आज राम राम जी मोहित और मैं साथ में आज हेल्पिंग वीडियो कर रहे हैं ईशानी भी है यहाँ पे हेलो गाइस से हाय तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसमें आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो हम कि आपकी मदद करें हम कैसे मदद करें मैम राजेंद्र नाम है मेरा मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं अच्छा तो मेरी बीवी को थोड़ा डांस वगैरह का शौक था तो उसने कहा कि मेरे को डांस वगैरह सीखना है एकेडमी में ठीक है और मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसकी एकेडमी है ठीक है तो मैंने अपने फ्रेंड से बात करके उसको वो डांस एकेडमी ज्वाइन करवा दी अच्छा और अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ गलत चल रहा था तो एक दिन मैंने पीछा किया उसका और अब मुझे पता चल रहा है कि वो दोनों मेरे पीछे आप समझ रहे हो वो दोनों रिलेशनशिप में आ रखे हैं उनका अफेयर चल रहा है हाँ उनका अफेयर चल रहा है वो मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं और अब यहाँ तक बात आ गई है कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए मुझे तेरे पैसे चाहिए मुझे तेरे साथ नहीं रहना देगा तो दे वरना मैं तेरे पे फ्रॉड का केस कर दूंगी हाँ जी वो कह रही थी कि मैं आपको आजकल वुमेन प्ले कार्ड बहुत ज्यादा हो गया आजकल फेमिनिज्म ये ड्रामा इनका बहुत हो गया भाई ये कह रही है कि मैं केस कर दूंगी मैं तेरी पूरी फैमिली को बंद करवा दूंगी भाई यहाँ तक बोल दिया कि मेरे को ना उस बच्चे की फिक्र है ना तेरे माँ बाप की फिक्र है कोई बात नहीं भाई आप घबराओ मत ठीक है आप घबराओ मत आपके लिए कैमरा लगा दिया है वहाँ पर एडन हमने और हम लोग जा रहे हैं कैमरा के पीछे एक माइक आपके लगा चुके हैं एक माइक हम लोग लेकर जा रहे हैं हमने साथ में ठीक है आ जाओ गाइस फटाफट से कैमरा के पीछे आ जाओ आ जाओ डरना मत ठीक है प्रॉपर्टी पेपर ले आया ला रहा हूँ ले आया कब लाएगा पागल है तू कहाँ है पेपर कहाँ है पेपर दे रहा हूँ भाई कहाँ है क्या पेपर कहाँ है पेपर मंगाए थे नहीं यार यार दो दस पेपर मंगाए थे ना भाई पेपर कब लाएगा पागल है तू लाऊंगा भाई आज ही लाऊंगा पेपर आज ही लाऊंगा पेपर कब बता कहाँ है आज ही बुलाया क्यों फिर तुम यहाँ पे बुलाया क्यों है तुझे शर्म नहीं आ रही यार क्या सब किस बात है यार तू किस बात का कैसा दोस्त है भाई तू यार बचपन का दोस्त होगा ये सब किया पहले था अब नहीं हूँ अब मेरी बीवी के साथ ही यार पहले था यार तेरा दिमाग जब तू कर तो कुछ ना कुछ यार दे रहा हूँ पेपर दे रहा हूँ पेपर दे रहा हूँ ना पेपर यार रुक जा दे रहा हूँ थोड़ी देर रुक जा पेपर भाई पेपर टाइम नहीं है मैं यार टाइम नहीं हमारे पास जब तू पेपर सुन सुन पेपर सुन जब तू पेपर नहीं लाया तो बुलाया क्यों तूने हमने हमें यहाँ पर पेपर दे दे रहा हूँ तुझे पेपर पेपर दे जल्दी दे रहा हूँ तू यार तुझे शर्म नहीं आई मेरे क्या करने भेजा था इसे तू क्या करके आ गया यार शर्म चल गई मेरी बीवी से प्यार कर रहा है मेरा दोस्तों के नहीं कर सकता नहीं कर सकता भाई मेरे घर की इज्जत है यार ये सब तू प्यार यार भाई भाई अब मैं भाई मेरी बीवी है यार मेरे घर बीवी थी तेरी अब नहीं हूँ थी अब नहीं हूँ तुझे कोई पति नहीं मानती क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ तुझे पति मैं मानती नहीं हूँ वो मानती है यार मानने से शादी क्यों करी फिर ये सब करना था तो यार इसलिए भेजा था मैंने अब नहीं करती तेरे से प्यार हो गया यार भाई तू क्या पागल हो गया क्या यार कैसी बात कर रहा है तू इसको ये डांस सिखा रहा है यार है? प्यार करता हूँ मैं तुझे प्यार हो तुझे अपनी भाभी से प्यार हो गया कैसे दोस्त क्यों क्या हो गया क्या हो गया नहीं हो सकता क्या और क्या पेपर यार ले लियो भाई पेपर पर इसे तो छोड़ यार मेरी घर की इज्जत है भाई बहू पेपर तुझे छोड़ूंगी घर वालों छोड़ूंगी मैं यार तेरे दोस्त की इज्जत है यार तू बात तो समझ मेरे घर वालों की तो समझ यार टाइम बाय ने तूने बुलाया किस लिए यार तू कैसा दोस्त हम लोग अर्जेंट काम छोड़ के तेरे पास आए हैं तेरी सुनने के आए गए यहाँ पर हम लोग यार तुम सुनो तो क्या है इसमें ऐसा क्या हो गया क्यों कर रही हो ये सब देख पहले इंटरेस्ट था अब इंटरेस्ट नहीं है मुझे तेरे ऊपर ठीक है यार शादी कोई मजाक थोड़ी है इंटरेस्ट मेरे लिए मजाक बन गई पहले थी शादी बहुत मानती थी बहुत पति मानती थी करवा चौथ के व्रत रख दी तेरे अब तुझे कुछ नहीं मानती मैं यार क्या हो गया ऐसा जो इतना चेंज हो गई तुम इतना चेंज होने की तो कोई जरूरत मुझे प्यार हो गया उससे तुमने बोला डांस सीखना तुम्हें वहाँ भेजा तुमने जो बोला वो दिया यार फिर भी ये सब अब मुझे प्यार हो गया उससे मुझे उसके साथ रहना है तुम्हारे साथ नहीं रहना है कितने बार एक ही चीज बोलनी पड़ेगी अब प्यार नहीं है आपसे मुझे यार शादी मजाक थोड़ी है प्यार नहीं तो यार शादी तो यार हमारे बच्चों का क्या होगा यार
तुम पागल हो यार, मैरिड हो गया। बच्चे तुम रख लेना, बच्चे मुझे नहीं चाहिए, मैं और कर लूंगी बच्चे। मजाक है क्या शादी भाई? बुलाया क्यों है तूने यार? यार भाई बात कर ले यार, कैसे निकाल के आए हम बता तुझे। भाई कैसा टाइम यार, तू मेरी बात तो सुना, मेरी जिंदगी खराब हो रही है तुझे टाइम टाइम। इसको समझ में आई नहीं रहा प्यार की बात। हम कितने दिन से एक ही चीज बोल रही ना कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, समझ में तेरे को नहीं आ रहा है क्या? एक बात, ये तुम्हारे प्यार की भाषा, प्रॉपर्टी दे दो, ये दे दो, पैसा दे दो, और मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, उनका क्या? मेरी फैमिली तू जाने, तेरा बच्चा, मेरे को कोई लेना नहीं किसी से भी। शादी क्यों करी जब ये सब बता यार, कुछ कह रहे हैं प्यार से बोल लेना, तेरे से प्यार की बात है। क्या ऐसे कर रहा है यार, तू भी बदल गया यार। प्यार की बात से तुझे समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही इसको समझ में, इतने से समझाई तो रही हूँ ना यार। भाई बीवी है मेरी, कह रहा हूँ मैं, प्यार की बात समझ नहीं आ रही तुझे? नहीं आ रही इसको, नहीं आ रही, नहीं आ रही तुझे समझ? मत कर भाई, तू तेरा दिमाग खराब हो गया क्या यार? मेरी बीवी है, घर की इज्जत है यार, तू समझ रहा है यार? थी कितने से एक बार बोल, मैंने छोड़ा थोड़ा पहले, थी बीवी, मैंने छोड़ा थोड़ी है यार इसे। उठ चल, उठ जल्दी, बैठा उसको वहां पे, चल 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 चल। क्या बीबी, बीबी क्या बीबी, क्या करके इज्जत करके इज्जत में नौकरानी बना के रख रखा है मुझे उस घर की? शादी करके नौकरानी बना के रख रहा था मुझे उस घर में? घर में सब तो है, नौकरानी कहाँ से बन गई तू? तेरी माँ की सेवा करूँ, तेरे बाप की सेवा करूँ, ठेका लेगा मेरे सबका? तो यार अपने घर पे भी तो अपने माँ बाप की करती होगी। मेरे माँ बाप और तेरे माँ बाप में बहुत फर्क है, वो मुझे बेटी नहीं समझते, नौकरानी समझते। नौकरानी यार कौन सी, तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरी माँ को ना बुढ़िया को किसने निपटा डालूंगी मैं, थोड़ी बहुत इरिटेट करती है तेरी माँ ना मेरी कुछ नहीं लगती वो। मैं तुझे सब दे दूंगा यार, ये सब छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता ये सब यार। मेरे को पसंद है, मैं उससे शादी करूंगी बोल। मुझे छुड़वाएगा तू यार? तू हमारा घर का मैटर है, मुझे छुड़वाएगा ये सब यार? किसी दिन ना मुझे दोस्तों के तेरे को इसलिए बिजी दिखा, तेरे पे विश्वास करता था यार मैं, बुद्धि खिसक गई ना मेरी, ठीक है ना? आ रहा है तुझे समझ यार? तू चाह रहा है यार, तेरे विश्वास करके तू ये सब करेगा यार? तू इस बार गया बाहर में यार, पागल है क्या यार तू? दोस्तों यार बैठ, किसी दिन बुद्धि सनकी ना मेरी, तेरे बाप, तेरी माँ, तेरे भाई सबको निपटा डालूंगी खाने कुछ डाल के, सब फिनिश। फिर प्रॉपर्टी का अचार डालेगा तू? अचार डालेगा यार? क्या क्या वेट कर, डैमो दिखाऊंगे तेरे को। कोई गलती हो गई क्या? मैंने कुछ कर दिया क्या? क्यों कर रही है ये सब तू? प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, मुझे कोई लेन देन नहीं तेरे से, कोई मतलब यार मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है तेरे से। बहुत देर हो गई, मैं तेरे को बहुत देर से समझ में आई नहीं रहा इसको, इतने जल्दी जब कोई निपट लेगा ना घर से। बीपीआई बढ़ रहा है, बीपीआई मेरा बीपीआई बढ़ रहा है बहुत, ठीक है? तू पागल है क्या यार? क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो रहा हूं यार, तेरा दिमाग खराब हो गया भाई, क्यों कर रहा है? बहुत पागल हो रहा हूं मैं भाई, ये सही नहीं लगता अपने दोस्त के साथ ये सब कर रहा है ना तू। बैठ यहां, बैठ यहां, बैठ। समझ में तो आ नहीं रहा, उठ 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 यार, तुझे समझ में तो आ ही नहीं रहा प्यार से? उठ तू भाई, क्यों कर रहा है ये सब यार? सम प्यार से समझा, मुझे प्यार से समझा रहे हैं हम, प्यार से समझा रहे हैं तुझे? नहीं नहीं प्यार के लायक है, प्यार से समझा रहे हैं तुझे? आ इतनी देर हो गई तुझे, कितने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया तूने, पता कहाँ से आ रहे हम यार? ये सब यार तेरा दिमाग खराब हो गया, कहाँ से आ रहे हम? तुझे पता है कुछ? तू पता है दिमाग खराब कर रहा है ये? है इस लायक, पिटना चाहिए इसको। मेरा बहुत मूड खराब कर दिया तूने यार, तू बहुत मूड खराब कर दिया तूने यार, तू भाई जैसा था यार मेरा, पागल है ये सब कर रहा है। उसको क्यों मार रहे हो आप लोग? तू भी पिटेगी, धोखा देने का बहुत शौक है ना, अब तुझे पता चलेगा। ढंग से देख, ढंग से आगे फाड़ के यार, प्लीज मत मारो उसको, हैं? तू भी पिटेगी, तू भी पिटेगी, समझी यार? प्लीज बचाओ उसको, क्यों मार रहे हो?
प्लीज बचा लो यार, उसको लग रही है यार, तेरा पति पकड़ा था तब तुझे शर्म, तब तुझे कोई नहीं आ रही थी क्या है? प्लीज प्लीज उसे मत मारो, प्लीज कर्मा देख अभी खड़ी खड़ी क्या कह रही थी, देख तो शर्म है, शर्म है तेरे को, शर्म है तेरे को, प्रॉपर्टी शर्म छाती पे लग ठीक है, प्रॉपर्टी बेशरम कहीं की रोके दिखा रही है ये मगरमच्छ क्यों सुना, रोके मत दिखा, रोके मत दिखा, समझ गई, जब तेरा पति पीट रहा था तेरा रस नहीं आया क्या बिल्कुल भी, रोके मत दिखा, आ रहा है उस पे जो कोई है ही नहीं, ओए क्या मांग रही थी तेरे से, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पैसे, खड़ा हो उसको प्रॉपर्टी दे भाई, प्रॉपर्टी दे, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा अच्छे से, जैसे इसने दिया ना उससे डबल, डरने का नहीं है बचाएगी मुझे प्लीज, उसे छोड़ दो ना, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो छोड़ दो, बैठने के लिए बोला क्या तुझे, बैठने के लिए बोला क्या है, पागल है बच्चे रख लो, बच्चे की शर्म कर ले कम से कम, शादी फिर कहीं का शादी बेशरम, कहाँ से आया बता, कहाँ से आया बता जल्दी से, मुंह खोल ले, अफगानी अफगानिस्तान से लग रहा है ना साढ़े, वही का है ना तू, वही का है ना अफगानिस्तान से, ये डांस सिखाता है, ये डांस सिखाता है अफगानिस्तान से, यहाँ पे यहाँ करता है यहाँ पे आके, बैठ जा बैठ बैठ जा बैठ जा, पूरी कहानी बता, खराब कर रहे पूरी कहानी बता अपनी, पूरी कहानी बता, क्या हुआ था पिट के बताएगा क्या, अब बोल डांस क्लास के अंदर ये काम करता है, प्रॉपर्टी दूं तुझे डांस क्लास के अंदर, ऐसी लड़कियां पटाता है भाई, गलत गलती हो गई, माफी मांग ले, ओए सामने देख क्या लगा रखा है, कैमरा देख, कैमरा ये कैमरा क्यों लगवा रखा है, रिकॉर्ड हो रहा है तुम लोग, प्लीज कैमरा बंद करा दो, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज प्लीज यार कैमरा बंद करा दो, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरे घर तक, बात प्लीज कैमरा बंद करवा दो, ये लोग देंगे तुझे प्रॉपर्टी देंगे, प्लीज कैमरा बंद करवा दो, तेरे घर जाने चाहिए प्रॉपर्टी पैसा सब देंगे ये भाई, करवा दो यार मेरी एकेडमी बंद हो जाएगी, प्लीज कैमरा बंद करा दो, कैमरा लगा हुआ है सामने, समझ आ गई, माइक भी है, माइक है ये तेरी सारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, थाने में सारी क्लिप्स दूंगी तेरी, प्लीज बंद करवा दो, अपने पति को धोखा दे के मुंह मार रही है ना लोगों में जाके, ना पता चलेगा तेरे को धोखा देना, धोखे देने का असर जो है ना वो क्या होगा तेरे साथ तेरे को भी नहीं पता, मैं माफ, तब तेरी बेइज्जती नहीं हो रही थी जब तू धोखा दे रही थी अपने पति को, मैंने नहीं सोचा था, अब तेरे को अपनी इज्जत की पड़ी है, क्यों नहीं सोचा तब तूने, शादी क्यों करी तूने, मुझसे मत पूछो ना, क्यों की थी शादी जब नहीं रह सकती थी एक के साथ, तो घर वालों ने करवाई थी, सबकी जिंदगी तबाह करके रख दी, की क्यों शादी, इतना प्यार हो गया था तो तेरे को, किसने कहा था इसको दिल देने के लिए है, दिल दे दिया है जान तुम्हें, ले जान देख तेरी जान पिट रही है, देख ले तेरी जान, खड़ा और तू उसके बारे में जानती है कुछ, जानती है नहीं जानती ना, हमारी टीम ने इसके पूरे पूरे के पूरे इसकी कुंडली निकाल रखी, समझ गई, जानती अभी बताएगा अपने बारे में, ये पहले से शादीशुदा है, ये शादीशुदा है, हाँ पूछ रहे झूठ बोल रहे हो तुम, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पूछो ये बता अपने बारे में, तू बता दे अपने आप, ये खुद बताएगा, क्या तुम झूठ मत बोलियो, इसको तो धोखे में रख रहा था, बता क्यों नहीं बताया तुम जल्दी, तो इसका एक बच्चा भी है, बच्चा भी कैसे कर सकते हो, ये चाहिए तुझे, ये चाहिए तुझे, बेशरम अब तू इसका बच्चा संभाल, इसका घर संभाल, इससे ले, तुम्हें रहना है इसके साथ, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, इसकी फटाफट कर दे भी, फटाफट कर दे थप्पड़, तांगी तेरी अब इंसानियत मारना है इसके, अब
इसने तेरे को धोखा दिया है। मेरे को तो मारी थी इसे, मारेगी नहीं। इसने तो अच्छा किया तेरे साथ बहुत। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना पति छोड़ दिया। सबसे प्यार करा, बहुत बढ़िया प्यार करा मैंने। फटाफट कर दे, चप्पल चप्पल मार दे, उसमें बरसा दे। ऐसे बंदों को तो ऐसे पीट रही है। कहीं की भी नहीं रही, कहीं की भी नहीं रही। ओए अपनी वाइफ से माफी मांग ले, माइक दो उसको, माइक दो इधर आ। ले उसको सॉरी बोल दे। क्या बात है, तेरे घर में एंट्री मिल जा, वरना तेरा घर भी टूट जाएगा। ले लाइव देख रहे तेरे को, वो लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं। नाम ले अपनी वाइफ का जो भी है। नाम ले अनीता। अनीता मुझे माफ कर दे अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी। नहीं करना चाहिए, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद होगी। मुझसे कोई गलती होगी माफ कर देना, अब ये दोबारा नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा ना, इधर आ। वैसा भरोगे इधर आ। पब्लिक को बता तूने क्या गलती करी है। ऐसी गलती पब्लिक ना करे, बता पब्लिक को। प्लीज कोई भी किसी भी लड़की के चक्कर में अपना घर बर्बाद मत करना। जो गलती मैंने करी है वो लोग आप मत करना प्लीज। क्या असर होता है बता दे एक बार। वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसने मुझे धोखा दिया, भी दिया है। इस चक्कर में मैंने अपने पति को छोड़ दिया, अपने पति के साथ गलत बर्ताव करने लग गई। आप लोग प्लीज वो गलती मत करना। अभी तेरे पति को तूने धोखा दिया है, बेशरम। तो शरम ये माइकल उससे, और इनको लीगल टीम पे छोड़ के आना पड़ेगा। देख लीगल टीम वहाँ तोड़ेगी तुम्हें। देखो देख सारे काले कोर्ट में बैठे हुए हैं। चलो ऐसे जी क्या उनके पास। आजा भाई आजा, रो मत यार, आप रो मत, परेशान मत हो यार, परेशान मत, रो मत यार, रो मत, रो मत यार, रो मत, बिल्कुल मत यार। भाई कोई बात नहीं, कैसा लग रहा है भाई को माइक दो। भाई कैसा लग रहा है आपको, बताओ अपने बारे में बताओ। थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो? हल्का तो फील कर रहा हूँ, पर भाई मेरी लाइफ खराब हो गई। बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा मेरी लाइफ खराब कर दी इस लड़की ने भाई। बताओ पब्लिक, मेरी जिंदगी खराब हो गई यार इसके चक्कर में यार। कोई बात नहीं, घबराओ भाई। इसने शादी करी, सब कुछ खर्चा किया, सब कुछ अच्छे से किया भाई। शादी के 1.5 साल बाद बच्चे होने के बाद ये सब कर रही है भाई। हम लोग आपके साथ है भाई, घबराना नहीं है, ठीक है। नंबर आपको दे रहे हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप घबराना मत, आपकी वाइफ को वहाँ पर डिवोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको अभी वाइफ पिट रही है, ठीक है, वो बंदा पिट रहा है लीगल टीम से। और अपने घर पे जाओ आराम से, ठीक है। घर वालों की टेंशन मत लेना कुछ भी, ठीक है। हम लोग का सपोर्ट यार भाई, ठीक है। आपके बच्चों का हम लोग मिलके करेंगे, ठीक है, हमारी टीम करेगी उनके। मैं क्या जवाब दूंगा अपने घर पे भाई? कुछ जवाब नहीं देना, ये वीडियो जवाब देगी अब सारा, ठीक है, ठीक है। माइक में भी और आपके घर पे भी, ठीक है। इस वीडियो ये वीडियो जवाब देगी। लो कुछ बोलो। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ यार, अगर आप शादी कर रहे हो तो पहले अपने अंदर से जान लो भाई कि आप एक इंसान के साथ रह सकते हो नहीं रह सकते। अगर नहीं रह सकते ना तो धोखा मत, अगर नहीं रह सकते आप एक इंसान के साथ नहीं रह सकते तो शादी मत करो, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। चार घर तबाह हो गया और देखो कितना ज्यादा हर्ट होता है, और इंसान के लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में ना। तो इसलिए अगर आपको मुंह मारना है ना, शादी मत करो, ठीक है। जो करना है करो, लेकिन किसी सच्चे इंसान का दिल मत दुखाओ प्लीज। बिल्कुल यार, इनकी पूरी फैमिली तबाह हो रखी है यार, थोड़ी तो शर्म कर लो यार। कैसी लड़के हो, कैसे बंदे हैं, मतलब समझ नहीं आता मेरे को आजकल के टाइम के यार, ये लोग कैसे कैसे हो रखे। पैसा पैसा कर रहे हैं, कौन पैसा उपिया प्रॉपर्टी इनको सालों मैं दूंगा अभी, बस एक ये कैमरा बंद होते हैं प्रॉपर्टी मैं दे के आऊंगा अभी तुरंत से, ठीक है। सो गाइज यार प्लीज़ ऐसा मत करो यार, बिल्कुल भी ऐसा मत करो यार। आपकी लाइफ है, अच्छे से इनकी लाइफ बीत सकती थी। और इनसे तो यार कितना गया गुजरा लड़का है, उसके साथ वो सेट हो गई है, अफेयर चला रही है, बोलते हुए शर्म आती है यार ऐसे वर्ड्स को हमारे को। थोड़ी तो शर्म रखा करो यार, इतना बड़ा धोखा सोचो आप, दोस्ती का इतना बड़ा धोखा दे रही हो यार। कर ही नहीं सकता कोई किसी में आज के डेट में ना, सही में मतलब यार हद है। सो गाइज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये रीट्स का चैनल है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज भी रीट्स का है गाइज। मेरी पब्लिक जितनी देख रही है ना मोहित वर्मा की, गाइज यहाँ प्लीज़ इनकी वीडियो देखा करो, ये भी हेल्पिंग वीडियो बनाती है, और हम लोग साथ में वीडियो बनाते हैं जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, हम लोग सारे हेल्प करते हैं लोगों की, ताकि मिल के लोगों तक पहुँच सके हमारी वीडियोज़, और लोगों की हेल्प करें। किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल गाइज DM करना आप इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल गाइज आप लोग DM करना, और आप लोग करते हैं मेरे को DM, मैं देखता हूँ, मैं जितने मैसेज होते हैं मेरी टीम आपके रिप्लाई कर पाती है, और कुछ मैसेज होते हैं जो हम DM नहीं कर पाते हैं आप लोगों को। सो गाइज प्लीज़ फॉलो करो, शेयर करो और लाइक कर दो। आते रहेंगे हम लोग बार बार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, लव यू ऑल।